वेलकम टू माई चैनल स्टाइलिंग हेयर्स। आज इस वीडियो में एक बेल बॉटम ट्राउजर की कटिंग एंड स्टिचिंग आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे और उसके लिए डबल लेयर ऑफ फैब्रिक को मैंने ऐसे सेट किया है। और इसके लिए जो मेन मेजरमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं, टोटल लेंथ रिक्वायर्ड होती है, वेस्ट मेजरमेंट आपको रिक्वायर्ड होती है, हिप मेजरमेंट, इसके अलावा नी का जो रॉन्ग पार्ट है उसकी मेजरमेंट, और जितना आप इसका विड्थ बॉटम से लेना चाहते हैं वो मेजरमेंट आपको रिक्वायर्ड होती है। तो जो टोटल लेंथ मुझे लेनी है वो है ऑलमोस्ट 34.5 इंचेस। ये रेडी लेंथ है, इसमें मैं 2 इंचेस फ्रॉम द अपर साइड यहाँ से और 2 इंचेस फ्रॉम द बॉटम साइड नीचे से मैं ज़्यादा लूँगी फॉर फोल्डिंग यहाँ से, और यहाँ से भी मैं इलास्टिक ऐड करने के लिए यहाँ से 2 इंचेस ज़्यादा लूँगी, तो इट वुड बी ऑलमोस्ट 38.5 इंचेस। सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 इंचेस के डिस्टेंस में एक लाइन ड्रॉ करूँगी स्ट्रेट, और उसके बाद मैं यहाँ से फिर लेंथ इसकी लूँगी 34.5 इंचेस। अब इस पॉइंट पे मैं वेस्ट का क्वार्टर मेजरमेंट लूँगी, मीन्स फोर्थ पार्ट लूँगी, तो वो है ऑलमोस्ट 8 इंचेस। 8 इंचेस में मैं 2 इंचेस जो है वो ईज का इंक्लूड करूँगी, तो इट वुड बी ऑलमोस्ट 10 इंचेस। 10 इंचेस के मैं डिस्टेंस पे एक मार्क लगाऊँगी। अब क्रॉस एरिया की लेंथ जो है वो मुझे लेनी है ऑलमोस्ट 13 इंचेस। अब इस पॉइंट पे हम लोग हिप मेजरमेंट लेंगे, और उसमें जितना भी आप ईज इंक्लूड करना चाहते हैं, जितना लूज आप पहनना चाहते हैं, आप उसके मुताबिक यहाँ पे उसकी विड्थ लेंगे। मैं यहाँ पे लूंगी ऑलमोस्ट 13 इंचेस। अब यहाँ से क्रॉच एरिया को हम एक कर्व शेप देंगे। अब यहाँ पे मैं इसका सेंटर पॉइंट लेके एक मार्क लगाऊंगी, या वो 13 इंचेस है, तो यहाँ पे मैं 6.5 इंचेस की डिस्टेंस पे एक मार्क लगाऊंगी। यहाँ मार्क लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे भी इसके सेंटर पॉइंट पे एक मार्क लगाऊंगी, और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। यहाँ बॉटम पे जो टोटल विड्थ मुझे लेनी है वो है 26 इंचेस, हाफ यहाँ पे लूंगी 13 इंचेस, और 13 इंचेस मैं इस तरीके से लूंगी कि हाफ जो है वो लाइन के इस साइड पे और हाफ लाइन के इस साइड पे लूंगी। जैसे कि मुझे 13 इंचेस लेना है तो मैं 6.5 इंचेस यहाँ पे लूंगी और यहाँ मार्क लगाऊंगी, और इसी तरह 6.5 मैं यहाँ पे लूंगी। अब नी के मेजरमेंट लेने के लिए मैं इसके टोटल लेंथ के सेंटर पॉइंट पे, तकरीबन सेंटर पॉइंट पे एक सबसे पहले एक मार्क लगाऊंगी। जैसे कि 34.5 इंचेस है तो मैं ऑलमोस्ट 17.5 इंचेस की डिस्टेंस पे एक मार्क लगाऊंगी। अब इस पॉइंट पे मैं नी का जो राउंड पार्ट है उसको मेजर करके हाफ उसका जो है यहाँ पे मार्क लगाऊंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे 17 का हाफ जो है वो लूंगी, वो है ऑलमोस्ट 8.5 इंचेस, तो 8.5 इंचेस की मार्किंग लगाने के लिए मैं 8.5 इंचेस का हाफ इस साइड पे लूँगी और हाफ इस साइड पे लूँगी, मींस 4.25 इंच आई वुड टेक एट दिस पॉइंट एंड 4.25 इंच आई वुड टेक एट दिस पॉइंट। ओके, अब इन मार्क्स को मैं एक शेपिंग स्केल की हेल्प से जो है वो ज्वाइन कर लूँगी। यहाँ से आपने लाइन को कर्व शेप देनी है। इस तरीके से मैं फ्रंट साइड की अब कटिंग करूंगी, और इसमें सीम अलाउंस हमें रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि मैंने जो मेजरमेंट्स ली हैं वो ऑलरेडी उसमें मैंने जो ईज है वो इंक्लूड की हुई है। बाकी जो हम सीम अलाउंस लेंगे वो हम बैक साइड से लेंगे।
फ्रंट साइड की कटिंग करने के बाद अब मैंने इसी फ्रंट साइड को डबल लेयर ऑफ फैब्रिक पे सेट करके रखा है और बैक साइड की कटिंग करूँगी मैं। बैक साइड की कटिंग करने के लिए हमें विड्थ वाइज जो है वो 2.5 इंचेस फैब्रिक ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है और वो क्रॉस एरिया वाली साइड से मैं 2.5 इंचेस ज़्यादा लूँगी और ये जो दूसरी साइड है यहाँ से विड्थ बिल्कुल सेम रहेगी। जैसे कि ये मैंने फैब्रिक को सेट करके रखा है बिल्कुल इसी पे मैं मार्किंग लगाऊंगी और मैं यहाँ से कटिंग करूँगी, लेकिन यहाँ क्रॉस एरिया वाली साइड से हम विड्थ जो है वो 2.5 इंचेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम ज़्यादा लेते हैं। इसके अलावा जो लेंथ है वो यहाँ बॉटम से सेम रहेगी और इस साइड से भी जो है लेंथ है वो बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन ये जो क्रॉस एरिया है यहाँ से हम लेंथ को बैक साइड पे थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। आप 1 इंच ले सकते हैं, 2 इंचेस ले सकते हैं, मैं यहाँ पे 1.5 इंचेस जो है वो ज़्यादा लूँगी लेंथ। और विड्थ जैसे कि आई ऑलरेडी है मेंशन कि 2.5 इंचेस जो है वो यहाँ पे मैं ज़्यादा लूँगी, उसमें सीम अलाउंस भी ऐड हो जाता है और बैक साइड से जो हम लूज देना चाहते हैं उसमें ईज भी इंक्लूड हो जाती है। अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लोग फ्रंट और बैक साइड के क्रॉस एरियाज को स्टिच करेंगे। आफ्टर टेकिंग साइड स्टिचेस नाउ आई विल टेक टॉप स्टिच। दोनों साइड में मैं टॉप स्टिच लूँगी। Now I will fold from the bottom. I have taken 2 inches, so I will fold in this way. And here I will take a stitch. After folding from here, now I would take fitting stitch. Okay.
So my this trouser design is ready. I hope that you would have liked it. Please thumbs up for me and don't forget to subscribe my channel. Till my next video, take care and thanks for watching.